और यहाँ पर पिपरिया बनाम मगरदा के बीच में मैच प्रारंभ हो गई है यहाँ पर। और पिपरिया की ओर से पहला रेड करने आए हैं जैसे नंबर 7 के खिलाड़ी। अब देखना होगा किस प्रकार का अंजाम निकल कर आएगा आने वाले समय में इन दोनों टीमों के बीच में। अब जैसे नंबर 8 बात करेंगे 8, अब ऊंचे गति के खिलाड़ी गए हैं पिपरिया के कोर्ट में। पहले में क्या फाइट मिलेगा बेहतरीन रनिंग के साथ, बोनस ऑन, बोनस देना नहीं चाह रहे यहाँ पर पिपरिया। और बिल्कुल एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर मगरदा को, पहली रेड में एक पॉइंट मिला है यहाँ पर मगरदा टीम को। अब आए हैं जर्सी नंबर 5 में पिपरिया के बेटा, और बढ़िया रनिंग करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लाठी में चले गए, बाहर जाना पड़ेगा। बिना टच के आप लाबी में नहीं जा सकते, नियंत्रण खोया और एक पॉइंट का नुकसान फिर पिपरिया को। अब जाएंगे जर्सी नंबर 8, ये भी बहुत बढ़िया मजबूत रेडर है हरदा डिस्ट्रिक्ट के। बिल्कुल पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, लगातार पॉइंट लेके आ रहे हैं अपनी टीम के जर्सी नंबर 8। फिर जर्सी नंबर 3, ये भी बहुत बेहतरीन रेडर है पिपरिया की ओर से, क्या पॉइंट मिलेगा इस बार भी। बोनस बजा रहे हैं, बढ़िया रनिंग, लेकिन सफलता भी लगी नहीं यहाँ, लेकिन अब पीरियड के साथ खिलाड़ी आए हैं वापस। अब गए हैं हासिल करती है तो दो पॉइंट के खाते में होगा।
लेकिन पिपरिया के कीपर का तारीफ करना होगा, बेहतरीन कीपर चल रही है पिपरिया की टीम का। और जर्सी नंबर 55 एशिया में, अब देखना होगा पिपरिया शिकार हो गए हैं रेडर।
से अंशु ये नेपाली अंशु अंशु जीरो से नंबर पर अंशु नेपाली को यहाँ पर चलने नहीं दे रहे हैं। नेपाली को क्या बोलने चलेगा और यहाँ पर देखना होगा किस प्रकार से बातचीत करेगी यहाँ पर लगातार नेपाली को लेकर लड़ाई भी जाए आपकी बार नेपाली आ रहे हैं क्या इस बार पॉइंट मिलेगा इनके खाते में भी एक भी पॉइंट नहीं है नेपाली के खाते में पॉइंट नहीं है अब देखना होगा किस प्रकार का मैच होगा नेपाली आए हैं प्राइस वाइज रेट कर रहे हैं बेहतर नजर और जर्सी नंबर तीन पिछले बार जरूर टैकल हुए लेकिन शानदार रेडर जर्सी नंबर तीन हर बार पॉइंट लाया है अपने टीम के लिए और फिर आए हैं मगरदा के रेडर और 20 सेकंड का खेल बचा है नेपाली आए हैं और 20 सेकंड में कुछ होने वाला नहीं है ये नेपाली बहुत अच्छे से जानते हैं नेपाली बहुत बड़ा रेडर है लेकिन एक भी पॉइंट नहीं मिला आपकी बारिश में
ठीक है रे, ठीक है फाइनल होगा फिर बताऊंगा।